कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के पूर्व संध्या पर आधारशिला संस्था द्वारा रविंद्र सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राजीव टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह, विशिष्ट अतिथि राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉ मनोज कुमार गौतम, सचिव दीपक चक्रवर्ती सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी व चित्रकला के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर कुमित सिंह को रविंद्र सम्मान से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में सम्मानित कलाकारों ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। आदि सभी विषय घर पर ही पढ़ाए गए थे। उनके घर विद्वानों, गायकों, कलाकारों की भीड़ लगी रहती थी। महर्षि देवेंद्रनाथ का हृदय उन सब विद्वानों के लिए खुला था। बचपन से गुरुदेव युवा कलाकार के साथ नृत्य विशाल रूप से आमंत्रित करते हैं और आनंद लेते हैं और नई दिल्ली के निर्णायक सदस्य उपलब्धियों की फहरिस्त उपलब्धियों को देखते हुए आपकी विशेषज्ञता और उपजीवी तो आपकी पोर्ट्रेट आ जाएगी। गणमान्य जनों की ओर से और भी संस्कारित करें, अपनी इस विधा को और आगे बढ़ाएं ताकि जब हो ये विधा फैले इसी। लेकिन सम्मान आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा ही देता है। ये आप पे एक ऐसा भार हो जाता है समाज का कि आप अपने उत्तरदायित्व के प्रति और सचेत हों और इतने और अच्छे तरह से आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। सम्मान आपके कर्तव्य बोध में वृद्धि करता है, सिर्फ अच्छे ही नहीं करता है, कर्तव्य बोध को बढ़ा देता है। तो ये जो सम्मान है ये गोरखपुर में मुझे मिल रहा है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में, अपने शहर में मिल रहा है और मैं अध्यक्ष रूप कुमार बैनर्जी जी का मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। लोग कहते हैं कि आधुनिक कला की शुरुआत बाहर में विदेशों से हुई, लेकिन नहीं, इंडिया में, भारत में लोग जो भी आधुनिक कला की शुरुआत हुई वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के स्केचिंग, पेंटिंग, चित्रों से ही हुई। उन्होंने ये भारत में उसकी शुरुआत की। तो ऐसे महान विभूति, महान व्यक्ति के नाम से जो सम्मान मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरे कर्तव्य बोध में मैं और आगे बढ़ूँ और अच्छे से उसको मैं निर्वहन करूँ। यही आप सबसे मैं चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद रहे कि मैं अपने इस कर्तव्य को निभा सकूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती पर उनके नाम से मुझे जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं हृदय की अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आधारशिला संस्था का सदैव ऋणी रहूँगा। किसी एक ऐसे कवि का नाम लिया जाए जिसका गीत हर भारतवासी गाता हो, बिना जाति पात धर्म संप्रदाय क्षेत्र के भेद के, तो वो एक ऐसा नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। उनका गीत हर भारतवासी गाता है, ऐसा दूसरा कवि कोई नहीं है आज तक न हुआ है जिसका गीत सारी सीमाओं को छोड़कर केवल भारत के नाम पर गाता हो।